नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कर रहे हैं मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग का सिद्धांत, इसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। देखिए, हम इसमें कई इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख चुके हैं। सबसे पहला हमने मांग का अर्थ देखा, मांग का अर्थ क्या होता है, फिर मांग की परिभाषा क्या होती है ये भी हमने देख लिया। हमने मांग अनुसूची क्या होता है वो भी देख लिया है, मांग अनुसूची के बाद हमने मांग वक्र देख लिया। मांग वक्र कितने प्रकार का, ये दो प्रकार की थी, एक तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची थी। लास्ट वीडियो देखिएगा आप, पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची है और दूसरा होता है जो बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग तालिका या अनुसूची, इसकी हमने व्याख्या कर ली है। मांग वक्र को हमने देख लिया, मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है और एक होता है जो बाजार मांग वक्र होता है। इसके बाद जो हमने देखा वो देखा था मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक होने के कारण क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ऋणात्मक होने के कारण भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। फिर मांग वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, या इसके ऊपर किस किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, मतलब जो अन्य बातें समान रहने पर थी उनका मैं विस्तार से व्याख्या करता हूँ कर चुका हूँ। मांग वक्र को प्रभावित करने वाले या मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इनकी हम सभी की विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं, विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि मांग वक्र में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है, या मांग वक्र का खिसकाव कैसे हो सकता है, मांग में परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो देखिए, अब टॉपिक जो रहेगा अपना, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग वक्र, मांग में परिवर्तन ये कह सकते हैं, मांग में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन। तो देखिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है, इन दोनों को मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। इसको हम कहेंगे कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन मतलब मांग वक्र पर चलन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मांग वक्र पर चलन और मांग वक्र पर चलन, इसमें क्या हो जाएगा, मांग वक्र में परिवर्तन, मांग वक्र का खिसकाव हम कह सकते हैं इसको, खिसकाव। देखिए दोनों में अंतर है तो आप समझने की कोशिश करो। मांग वक्र पर चलन क्या होगा, मांग वक्र पर चलन होगा जब केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग वक्र में चलन होता है। लेकिन मांग वक्र के खिसकाव की जब बात आती है तो इसमें वस्तु की कीमत के अतिरिक्त जितने भी तत्व होते हैं, वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, वस्तु की कीमत के अतिरिक्त समस्त तत्वों में परिवर्तन, तत्वों में परिवर्तन होने पर, इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर चलन होगा, केवल समान मांग वक्र पर या एक ही मांग वक्र पर चलन होगा, एक ही मांग वक्र पर चलन। इसमें क्या हो जाएगा, मांग वक्र दाईं या बाईं ओर, या इसमें क्या हो जाएगा, एक ही मांग वक्र पर चलन नीचे से ऊपर की ओर होगा, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर चलन होगा। लेकिन इधर क्या होगा, मांग वक्र बाईं या दाईं ओर खिसक जाएगा, बाईं या दाईं तरफ सरक जाएगा। तो इस प्रकार से मांगी गई मात्रा में और मांग में दोनों में परिवर्तन है, ये मैंने छोटा बता दिया है आपको। अब विस्तार से चर्चा हम इसकी करते हैं कि किस प्रकार से हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को देखते हैं और किस प्रकार से मांग में परिवर्तन को देखते हैं। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, मांग मात्रा में जो मांगी गई मात्रा है उसमें परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार का कौन सा हो सकता है, एक तो हो सकता है मांग में, मांग मात्रा में, या इसको कह सकते हैं संकुचन, मांग में संकुचन,
और दूसरा हो सकता है मांग का विस्तार, मांग का विस्तार। मांग में संकुचन कब होगा? जब कीमत में क्या हो, जब कीमत में वृद्धि होगी। और मांग का विस्तार कब होगा? जब कीमत में कमी होगी, जब कीमत में कमी होगी। अब देखिएगा, मांग में संकुचन का मतलब कीमत में वृद्धि होना। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है, कमी हो जाती है मांग मात्रा में। कमी होने के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? मांग में संकुचन कहेंगे। इसे रेखा चित्र की सहायता से भी हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से मांग के संकुचन की व्याख्या की जाती है। मांग का संकुचन बताता है जीरो, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर हमने एक्स वस्तु की मांग मात्रा को लिया है, एक्स वस्तु की मांग मात्रा, और इधर हमने लिया है कीमत को। ध्यान से देखिएगा, अब सपोज करो हमारे पास में एक दो तीन चार, और इधर भी अपने पास में क्या है? एक दो तीन चार, ठीक है। अब माना कि प्रारंभिक कीमत जो है हमारी, प्रारंभिक कीमत है एक रुपया, और हम मांग कर रहे हैं एक रुपये पर मांग कर रहे थे चार इकाइयों की, ठीक है। ए संयोग मान लीजिए इसको, हम ए संयोग पर उपभोक्ता अपना मतलब वस्तुओं को खरीद रहा है। माना कि कीमत में क्या हो जाती है? प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज, बढ़कर के पहुंच जाती है कितने पर? चार पर। अब चार पर पहुंची तो मांग मात्रा होगी अपनी एक। आप देखिए यह ए से लेकर के बी बिंदु पर आया, ए से लेकर बी बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो ये हमें क्या मिलता है? एक मांग वक्र मिलता है डी डी प्राइम, ठीक है। अब आप देखेंगे जब कीमत में क्या हुआ, कीमत में वृद्धि हुई तो मांग मात्रा में क्या हो गई? कमी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता जो उपभोक्ता का जो खरीदने का स्तर है या फिर वस्तु की मांग है जो ए बिंदु से कहाँ चली गई? ऊपर की ओर खिसक गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब कीमत में वृद्धि हो तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी? क्वांटिटी ऑफ एक्स कम हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। या हम कह सकते हैं मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर चलन, मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर चलन अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? मांग का संकुचन कहलाएगा, मांग में कमी कहलाएगा। ये जो है कंप्रेस हुआ है, मांग में कमी हुई है मांग मात्रा में, तो ये मांग का संकुचन कहलाता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ मांग के विस्तार की बात करते हैं तो मांग के विस्तार की बात करने पर हमें पता चलता है कि जब वही सेम डायग्राम अपना जीरो, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, इधर हमने मांग मात्रा को ले लिया है, मांग मात्रा एक वस्तु का उपभोग किया जा रहा है, इधर हमने कीमत को ले लिया है, वही आपके एक दो तीन चार, इधर एक दो तीन चार। माना कि अब यहाँ पर देखिए, माना प्रारंभिक कीमत चार रुपये है और उपभोक्ता एक इकाई का उपभोग कर रहा है, इधर ए संयोग हमने इसको नाम दे दिया है। अब माना उपभोक्ता जब वस्तु का उपभोग कर रहा है, वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वस्तु की कीमत में कमी हुई तो क्या करेगा उपभोक्ता? एक रुपये पर कीमत हो जाती है, एक रुपये कीमत होने पर उपभोक्ता चार इकाइयों का उपभोग करने लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आप देखिए ए और बी दोनों संयोगों को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या मिल जाता है हमें? डी डी प्राइम, एक मांग वक्र मिल जाता है। दोनों को अच्छे से देखो, अब इसमें क्या हुआ है? जैसे ही कीमत चार रुपए से कम होकर के कहां पर आई? एक रुपए पर आई। मांग मात्रा में क्या हो गई? एक इकाई से बढ़कर के चार इकाई वृद्धि हो गई। तो अब ऊपर उपभोक्ता जो है ऊपर से नीचे की ओर चलन किया है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चलन किया है। इसका मतलब मांग में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो कीमत में जब क्या हुई? कमी हुई, तो मांग मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, और इसी को ही हम क्या कहेंगे? मांग का विस्तार कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर चलन होता है, नीचे की ओर चलन क्या कहलाएगा? मांग का विस्तार कहलाता है। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर समझ लीजिए। मांग का संकुचन कीमत में वृद्धि के कारण होता है, मांग का विस्तार कीमत में कमी के कारण होता है। और हम जब मांग वक्र पर संचलन की बात करते हैं तो एक ही मांग वक्र पर संचलन क्या कहलाता है? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। मांग के संकुचन में एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है और मांग का विस्तार में भी एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है। लेकिन मांग का संकुचन है जो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, नीचे से ऊपर की ओर, और इसमें ऊपर से
नीचे से ऊपर की ओर, और इसमें क्या होगा ऊपर से नीचे की ओर चलन होगा, तब मांग का विस्तार कहलाएगा। तो इस प्रकार से मांगी गई मात्रा की व्याख्या कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मांग वक्र का, मांग में परिवर्तन की व्याख्या देखिए, फिर इन दोनों का अंतर भी मैं आपको समझाऊंगा। जब हम मांग में परिवर्तन की बात करते हैं, मांग में परिवर्तन तो ये कीमत के बजाय अन्य तत्व हैं। मांग में परिवर्तन तो आप देखेंगे ये इसमें क्या होता है, वस्तु की कीमत तो मानी जाती है, वस्तु की कीमत होती है जो स्थिर रहती है, और इसके अलावा जो भी तत्व हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डिमांड ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, टी वाई ई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो भी हैं वो सारी इन चीज़ों में, अब इसमें क्या होगा ये प्राइस जो तो हो जाएगी कांस्टेंट, और ये सभी क्या रहते हैं परिवर्तनशील होते हैं, और इनमें परिवर्तन होने के कारण ही क्या होता है मांग में परिवर्तन होता है। अब ये मांग में जो परिवर्तन होता है ये भी दो प्रकार का होता है, कौन सा है दो प्रकार का, एक तो हो जाएगा मांग में कमी और एक हो जाएगा मांग में वृद्धि। मांग में कमी और मांग में वृद्धि, जब कीमत स्थिर है और इन सभी तत्वों में परिवर्तन होता है, माना उपभोक्ता की अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए, उपभोक्ता की रुचियां और अधिमान जिनमें वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, प्रत्याशाएं बढ़ जाए, तो उनमें परिवर्तन होने पर मांग में कमी होती है। तो इसमें कीमत तत्व है जो स्थिर रहता है, इसको हम रेखा चित्र की सहायता से इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, जीरो इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर वस्तु की मांग मात्रा है, मांग मात्रा और इधर कीमत को हमने ले लिया है। माना कि प्रारंभिक जो अपना मांग वक्र है, प्रारंभिक मांग वक्र ये x1 और इधर p1 पर है। अब माना py या फिर इन सभी तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, या तो क्या हो जाए प्राइस ऑफ y है जो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, प्राइस ऑफ y है जो x है, प्राइस ऑफ x तो स्थिर है, प्राइस ऑफ y क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो जाए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, सॉरी इसमें डिक्रीज देखिए कमी हो जाए, ठीक है, उपभोक्ता की आय में क्या हो जाए कमी हो जाए और प्रत्याशाएं परिवर्तन हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा उपभोक्ता पहले से कम मात्रा का उपभोग करेगा, क्योंकि कीमत स्तर समान है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उपभोक्ता क्या करेगा अपनी मांग में कमी करेगा और मांग वक्र है जो अपने पूर्व स्थिति से बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी जो कीमत स्थिर रहेगी ये एक्स से एक्स वन मात्रा का उपभोग करेगा। तो ये एक्स से एक्स वन है, सॉरी एक्स से एक्स वन मात्रा है जो अपने किसको बता रही है मांग में कमी को बता रही है, डी डी प्राइम और डी वन, डी वन प्राइम ये ए है ये बी है, ए से बी बिंदु की ओर जो चलन हुआ ये जो है ये मांग में कमी को बता रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जब इस स्थिति में मांग वक्र क्या करेगा, मांग वक्र बाईं ओर सरक जाएगा, मांग वक्र बाईं ओर सरक जाएगा। आप देखेंगे मांग में संकुचन की जब बात कर रहे थे, मांग में संकुचन हो रहा था तो उसमें एक ही मांग वक्र पर चलन हो रहा था, लेकिन यहां पर मांग वक्र परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से मांग में वृद्धि की बात करते हैं, तो मांग में वृद्धि जो होगी, मांग में वृद्धि है, सपोज करो इधर एक्स है इधर वाई है, इधर कीमत को ले रहे हैं, कीमत में किसी प्रकार का चेंज होगा नहीं, इधर मांग मात्राएं हैं, मांग मात्रा, अब माना कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाएं, या फिर संबंधित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या कमी हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा प्रारंभिक मांग वक्र आपका डी डी वन है, डी प्राइम है, और आपकी कीमत है पी वन और एक्स वन मांग मात्रा है। माना कि इन सभी में वृद्धि हो गई, उपभोक्ता की आय बढ़ गई, रुचि और अधिमान बदल गए, तो उस स्थिति में उपभोक्ता पहले से अधिक मात्रा का उपभोग करना पसंद करेगा, तो पहले से अधिक मात्रा का उपभोग करेगा, तो उस स्थिति में जो कीमत स्थिर है मांग वक्र क्या हो जाएगा बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपकी नई जो मांग मात्रा है एक्स टू निर्धारित हो जाएगी और मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो इस स्थिति में ए से लेकर बी तक चलन हो जाएगा, तो इसमें मांग वक्र जो है मांग वक्र दाईं ओर सरक जाएगा, दाईं ओर सरक
जाएगा। अब आप देखेंगे दोनों में, मांग में संकुचन और मांग में कमी में क्या अंतर है। मांग में जब कमी होती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता जो है एक ही, मांग में कमी होती है तो मांग वक्र है उपभोक्ता का जो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब मांग में कमी, मांग मात्रा में कमी होती है या फिर अपन कह सकते हैं मांग में संकुचन होता है तो उस स्थिति में एक ही मांग वक्र पर संचलन होता है। दूसरी ओर हम मांग में वृद्धि की बात करें तो मांग में वृद्धि होने पर क्या होगा, जो मांग वक्र है अपनी वर्तमान स्थिति से दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो खिसक जाएगा। लेकिन मांग में जब कमी विस्तार होता है तो वो एक ही मांग वक्र पर नीचे से ऊपर से नीचे की ओर चलन होता है और मांग में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमारा मांग का सिद्धांत जो है काम करता है। तो मांग के सिद्धांत में हम इन सभी चीज़ों की व्याख्या करते हैं और ये चीज़ें आगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी अभी हम जब मांग की लोच पढ़ेंगे उसमें भी। हाँ, कुछ हैं जो हमें मांग के जो अपवाद हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फिर उसके बाद में ये अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद अपना इस यूनिट का एक और टॉपिक बचेगा जो है अपना मांग का, सॉरी मांग की लोच। तो इसमें हम करते हैं जो मांग के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं, मांग के नियम के अपवाद। तो अपवाद स्वरूप कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू होता नहीं है। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में क्या हो जाए कमी हो जाती है तो उसकी मांग मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसका विलोम शब्द भी विलोम भी है, और अगर कीमत में क्या हो जाए वृद्धि हो जाए तो मांग मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन इसका कई चीजें ऐसी होती है जिन पर यह लागू नहीं होता है, वो कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहला है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, या इसको हम कह सकते हैं वेबलाइन गुड्स। कई बार क्वेश्चन आता है वेबलाइन गुड्स कौन सी होती हैं, वेबलाइन वस्तुएं गुड्स, ठीक है। ये वो वस्तुएं होती हैं जिनके लिए मतलब एक व्यक्ति है या व्यक्ति विशेष है समाज में अपनी प्रतिष्ठा को जचाया जाता है, ठीक है। जिस जैसे कि मैं उदाहरण दूं, हीरा जवाहरात है, हर किसी आम नागरिक के पास नहीं मिलेगा। जो प्रतिष्ठा जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं, जेवरात वगैरह हैं, वो वही व्यक्ति ज़्यादा पहनेंगे जो अपने समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठा दिखाना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर इनकी कीमत में वृद्धि भी होती है तो भी इसकी मांग मात्रा में कोई कमी नहीं होती है। वो जो व्यक्ति प्रतिष्ठा जुड़े हुए हैं वो इनका उपभोग करेंगे ही करेंगे, तो इनकी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। सेकंड जो हमारा आता है, कोई अच्छी कहानी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक, अच्छी पुस्तक है, कहानी है, इनको सभी को क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना ज़्यादा ही हमें उपयोगिता मिलती है और इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा है कंजूस व्यक्ति के लिए नहीं लागू होता है। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जिन पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता है और उनको मतलब मांग के नियम का अपवाद माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये मांग का सिद्धांत जो टॉपिक है ख़त्म होता है और अगला जो हम लेक्चर करेंगे मांग का सिद्धांत, सॉरी मांग की लोच पढ़ेंगे। तो आप एक बार पुराने वीडियोस को अच्छी तरह से देख लें ताकि आपकी कोई भी यूनिट, इस यूनिट में कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो और आपको उसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलता रहे। नमस्कार।